पुलिस के हथकड़ियों में बंधा ये वो शख्स है जिसे आप साक्षात हैवान भी कह सकते हैं। इसकी मासूम से शक्ल पर बिल्कुल नहीं जाइएगा। इसके छोटे और दुबले पतले कद को देखकर दया भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसने एक मासूम नाबालिग बच्ची के साथ ऐसा कृत्य किया है जिसे जानकर आप भी गुस्से से लाल हो जाएंगे। दरअसल तरुण यादव नाम के इस शख्स ने अपनी ही नजदीक रहने वाली एक 16 साल की बच्ची को बहलाया फुसलाया और उसे एक दिन सीधी से रीवा लेकर आ गया। उस बच्ची को क्या पता था कि इस हैवान के दिल में क्या चल रहा है। वो तो इसकी बातों में आकर इसके साथ साथ चली गई। बस फिर क्या था, उस बच्ची को अकेला पाकर तरुण यादव ने बस स्टैंड पर खड़ी बस में ही उसकी इज्जत को तार तार कर दिया। इस शख्स ने उस मासूम के साथ दिन भर अपनी मनमानी की, लेकिन अगले दिन पीड़िता इनके चंगुल से बचकर अपने घर पहुंच गई और अपने घर वालों को पूरी बात बता दी, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और पुलिस ने आरोपी को अपनी हिरासत में ले लिया। ये घटना जो है कि बस में आ रहे थे, लड़की जो है बस में थी और उसी साथ में एक लड़का था जो तरुण उर्फ वरुण नाम है, रामपुर नैकी क्षेत्र के रहने वाले थे और यहाँ रीवा आ गए थे। ये 3 और 4 के बीच की घटना है, 3 तारीख और 4 बजे की घटना बीच है। वो घटना नया बस स्टैंड के पास का है। तो इसके फिर बाप खोजते वोजते आया था पीड़िता का, और फिर गए थे थाना ने रामपुर नैकिन, वहाँ रिपोर्ट किए थे। वो रिपोर्ट जो है मूल घटनास्थल थाना समान रीवा का होने से यहाँ पर वो विवेचना के लिए यहाँ भेज दी गई है। कायमी करके मुलजिम को राउंडअप कर ले गए, मुलजिम को आज न्यायालय पेश कर रहे हैं। फिर से बोलिए। हाँ, पॉस्को एक्ट लगा है। आरोपी तो पकड़ा गया, बहुत संभव है कि उसे अपने किए की सख्त सजा भी मिले, लेकिन इस मामले में गौरतलब बात यह है कि कोई शख्स बस स्टैंड पर खड़ी बस में किसी बच्ची का बलात्कार कैसे कर सकता है, और वो भी उस स्थिति में जहां पर नजदीकी पुलिस थाना हो। और जब शहर की मुख्य जगहों पर बच्चियां इतनी सुरक्षित नहीं है तो सुदूर इलाकों में उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए अनिल सिंह की खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।